टिप्स गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इतना बढ़िया सा फॉर्मूला जो कि आपकी स्किन से हर तरह के डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को लाइटन करते हुए आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को एकदम से निखारेगा। जैसे कि आप जानते हो गाइस, ये फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है, नवरात्रि आ रहे हैं, दुर्गा पूजन आ रहा है, उसके बाद जो है दशहरा है, दिवाली है, करवा चौथ है, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं। और इन फेस्टिवल्स पर आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आप स्किन लवर हो, यानी कि अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स का ख्याल रखना, अपनी स्किन को ब्राइटन करना, कॉम्प्लेक्शन को निखारना, ताकि आप किसी भी फेस्टिवल पर सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखे, सबसे ज्यादा धमाकेदार लगे। तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए मैंने इसी पर्पज से बनाई है, फेस्टिवल पर्पज से रेमेडी को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिले उसका। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए, दो फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगी। दोनों फॉर्मूलाज को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी स्किन हो जाएगी बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग, हेल्दी और बहुत ही ज्यादा नरिश भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, देख लेते हैं कि क्या है ये फॉर्मूलाज। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में छोटा सा बेल आइकन आ रहा होगा उसे प्रेस करोगे तो आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। गाइस, स्किन को निखारने के लिए ना मैं आपको दो स्टेप्स बताने वाली हूं। तो इन दोनों स्टेप्स को करने के लिए हमें यहां पर चाहिए एलोवेरा जेल। मैं यहां पर फ्रेश एलोवेरा जेल ले रही हूं। अगर आपके पास फ्रेश वाला नहीं है तो आप जो है मार्केट वाला, यानी कि रेडीमेड एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने दो छोटे छोटे से पीस लिए हैं एलोवेरा जेल के, और बैक पोर्शन को मैंने ग्रीन वाले को कट नहीं किया, फ्रंट वाले को कट किया है, और ये जेली पोर्शन हमने इस्तेमाल में लाना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के लिए मैं एक पीस यहाँ पर ये एलोवेरा का ले रही हूँ। इस एलोवेरा के पीस में मैंने छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं ऐसे। ठीक है, आप चाहें तो जेल अलग से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर लगानी है अंबा हल्दी, जो कि बहुत अच्छी होती है। किचन हल्दी नहीं है ये, अंबा हल्दी है, जिसे कस्तूरी हल्दी भी कहते हैं गाइस, और ये हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छी है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ कस्तूरी हल्दी, यानी कि अंबा हल्दी, और उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ इस तरह से। ठीक है, और फिर जो है ना, बस और कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पर ये अंबा हल्दी को इसके ऊपर स्प्रेड करना है। गाइस, जो अंबा हल्दी होती है ये हमारी स्किन की सारी डर्ट इम्प्योरिटीज को निकालती है। स्किन ब्राइटनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो अंबा हल्दी को इस तरह से मैंने एलोवेरा के पीस के ऊपर स्प्रेड कर लिया है, और अब आपने डायरेक्ट अपने फेस पर मसाज देनी है। ओके, और चलो फिर फटाफट से मैं आपको मसाज करके भी दिखा देती हूँ। कंटिन्यूसली मसाज दी है, और अब मैं नॉर्मल पानी से स्किन को वॉश कर लूंगी। सेकेंड स्टेप के लिए फिर से मैंने एक पीस एलोवेरा का ले लिया है, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर स्प्रेड कर रही हूँ मुलेठी पाउडर, यानी कि लिकोराइज पाउडर। गाइज, ये है मेरे पास अवेलेबल लिकोराइज पाउडर, आप कोई भी ले सकते हो, बट अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो मैं ये जो एलोवेरा का पीस है इसके ऊपर जो है इस तरह से मुलेठी को स्प्रेड कर रही हूँ। ये आधा चम्मच मैंने यहाँ मुलेठी पाउडर लिया है, और पहले एलोवेरा में कट लगाया था इस तरह से, ये देखिए, और अब आपके सामने भी लगा के दिखा देती हूँ। ये कट लगाने से ये जो इसके ऊपर मुलेठी पाउडर है ना, ये इसके अंदर जाने लगेगा। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर इस्तेमाल में लाना है हनी। जैसे कि विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है, काफी लोगों की स्किन ड्राई भी होती है, तो उसके लिए हनी काफी अच्छा रहता है। हनी हमारी स्किन को टाइट करता है, यंगर लुक देता है, स्किन को एकदम से यंग बनाता है। सच में इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। कम से कम बस ज्यादा नहीं, आधा टी स्पून आपने यहाँ पर इसका लेना है, और स्पून के साथ ऐसे थोड़ा सा सेट कर लेना है। बस आपने और कुछ नहीं करना, जब आप इसको फेस पर लगाओगे ना तो ये अपने आप अच्छे से जो है स्किन के अंदर जाने लगेगा, अच्छी मसाज देगा, ये फेस पैक का काम भी करेगा। इससे मसाज करने के बाद इसको आपने अपने फेस पर 5-10 मिनट के लिए छोड़ भी देना है, और फिर वॉश करना है। तो चलिए अब इसको भी लगाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है सेकेंड स्टेप, और इससे भी आपने अपने फेस की मसाज देनी है।
अच्छे से हो गई है और ये पूरे फेस पर पैक की तरह लग भी गया है, तो इसको मैं केवल 10 मिनट के लिए फेस पर रखूंगी और फिर नॉर्मल पानी से स्किन को वॉश करूंगी। सो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, क्योंकि आप कमेंट करते हो तभी मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, वो सब कमेंट करके बताया करो। और इस वीडियो को आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर हर जगह ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि फेस्टिवल स्टार्ट होने से पहले ही आप अपनी स्किन को एकदम से निखार ले। तो मिलूंगी आपको फिर से एक अच्छे से मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।